नहीं, वो तो पीएम का एक सिक्योरिटी है जिसके लिए वो बहुत ही जरूरी है। हमारे देश का पीएम साहब हैं, उनके सिक्योरिटी पर्पस से एसपी जी ने हमें रोका और सर्च का किया। तभी मोदी जी ने वहाँ पे रोकते हुए अपने सुरक्षा गार्ड को बोला कि इन्हें रोका ना जाए, इन्हें मैंने बुलाया हूँ इसलिए इन्हें आने दिया जाए। तो एक मुझे भी अच्छा लगा कि हमारे एक देश के पीएम डायरेक्ट एक रेस्क्यूअर को बात करके वो समझने की कोशिश की। ये मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा कि एक देश का ऐसा होना चाहिए जो आज के देश में हमारा देश का पीएम है। पीएम साहब आपसे बात किए जब आप बोल रहे थे कि वो भावुक हो गए थे। जी बिल्कुल, उनको जब हम लोगों ने बता रहा था स्थिति के बारे में कि स्थितियां इतनी ज्यादा थी, चीख पुकार मची हुई थी, तभी उनको मैंने देखा कि एक सिर अपना नीचे कर लिए थे और सिर नीचे करते हुए कहीं ना कहीं वो भावुक हो गए थे। और वो फिर इस स्थिति में मुझे नहीं लगा तो और ज्यादा सुनना पसंद किए, क्योंकि स्थिति को समझते हुए उन्होंने गंभीरता से लिया है कि आप लोगों ने आया था तो क्या देखा है यहाँ पे। हम लोगों ने वहाँ पे बताया कि श्रीमान यहाँ पे स्थिति इतनी मुश्किल थी कि हम लोगों को भी एक समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी डब्बा को कैसे पहले रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि सभी में जिंदगी को बचाना बड़ा कठिन काम लग रहा था कि किसके बचाया जाए किसे नहीं बचाया जाए। तो हम लोगों ने उसी को में पेशेंस को अपने बनाए हुए देखा कि पहले लाइव विक्टिम्स को पहले बाहर निकाल लिया और उसके बाद लाइव विक्टिम्स सारे निकलने के बाद डेड बॉडी को कोशिश किया, निकालते निकालते 24 आवर्स निकल चुके थे, तभी हमारा डेड बॉडी निकलते ही जा रही थी। बॉडियां इतनी ज्यादा दब गई थी ट्रेन के डिब्बों के नीचे जिसके वजह से हमें थोड़ी सी मुश्किल हुई, लेकिन समय को रहते हुए धीरे 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 कैसे भी करके हम लोगों ने सारा ऑपरेशन को सक्सेसफुल कर लिया। Thank you.